हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी हैं ठीक। और आज है सुबह के बज रहे हैं 9 और हम जा रहे हैं इनायत का रिज़ल्ट लेने के लिए आज विद फैमिली। तो बस इनायत के स्कूल से आ गए हमारे को रोस्टर, तो बस धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है। तो बस लाइनर आज मैंने ठीक ही लगा लिया है, तो चलो चलते हैं इनायत के स्कूल। अच्छा जी, तो हम पहुंच चुके हैं इनायत के स्कूल, और इनायत का स्कूल आप लोग देख लीजिए, मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है। और आज अल्फिया ने ज़िद करी कि मम्मा मुझे भी जाना है अपी के स्कूल, तो मैंने सोचा चलो। और इनायत की खुशी का ठिकाना नहीं था, स्कूल वापस जाके बहुत खुश थे वो कि मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई में बच्चे बोर हो गए, 2 साल बच्चों ने घर में निकाले हैं। और यहाँ पर ये स्कूल का चर्च है, काफ़ी बड़ा है, तो ये संडे के संडे यहाँ पर प्रेयर होती है। और ये ऑफिस है स्कूल का, पता भी थर्ड का रिजल्ट कहाँ है, तो बस यहाँ पे हम जा रहे हैं। स्कूल कहाँ चेंज हुआ बेटा? वैसा का वैसा ही है स्कूल, तो चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। कहीं माँ दीवार कहीं नहीं देंगी, यहीं पर ही है। ना तो लग रहा है उसका स्कूल जो है ना चेंज हो गया है ना, तो स्कूल चेंज हो गया नहीं हुआ स्कूल चेंज। तो यहाँ इनायत अपनी क्लास टीचर से बात कर रही हैं, और उनके इनायत की क्लास टीचर बहुत सपोर्टिव थी। ये पिछले साल की उसकी टीचर थी, यानी कि थर्ड क्लास की क्लास टीचर थी, बहुत ही अच्छी मैम है, ये बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने हमें। थैंक यू सो मच निधि श्रीवास्तव मैम, आप मेरे वीडियोस देखते हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छी, और इनायत को हर प्रॉब्लम से बहुत जल्दी शू कर देती थी ये, तो हर प्रॉब्लम को शू कर दिया था। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सपोर्ट किया। और यहाँ पर आसिफ जी जो हैं वो फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं सिग्नेचर करके। अल्फिया को बड़े मज़े आ रहे हैं जी। मैंने अच्छा नहीं करना, आप नाम छे आ जाओ, हर टाइम थोड़ा ना मैं ऐसे करता रहूँगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर देख लीजिए इनायतू का लगा हुआ है पोस्टर में फ़ोटोग्राफ्स। तो यहाँ पर ये यादें थे पुराने लम्हे, जो लॉकडाउन के टाइम बच्चों ने ऑनलाइन क्लास लेते थे, तो उनके पिक्चर्स खींच के इस तरीके से डेकोरेशन में लगाए गए हैं, और इसको दिया गया है यादें। तो काफ़ी अच्छी यादें हैं, और कुछ मतलब अच्छी है, सब कुछ अच्छा। तो यहाँ पर अभी इन लोगों ने नया क्लास ज्वाइन करा है, मतलब इंक्लूड करा है स्कूल के अंदर, ये है प्ले स्कूल। तो इन्होंने प्ले के लिए ये डाइनिंग एरिया है जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा चलो अल्फिया के लिए ट्राई करते हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ, बट मुझे बहुत पसंद आया, ये डाइनिंग एरिया भी बहुत अच्छा था। तो इनायत आगे से हट ही नहीं रही थी ताकि मैं शूट करूं। तो ये बच्चों का डाइनिंग एरिया, यहाँ पर बैठ के बच्चे अपना लंच फिनिश कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरती से बनाया गया है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए पूरा इंटीरियर करा है इन्होंने। तो काफ़ी अच्छा इनका डाइनिंग रूम था, और मेन हॉल दिखा देती हूँ मैं आपको अभी। तो अभी मैंने आपको इनका डाइनिंग हॉल दिखाया था, अब यहाँ पर आप देख लीजिए प्ले स्कूल, मतलब जहाँ पर इनको पढ़ाई भी करनी है प्ले भी करना है। तो बच्चों को बहुत पसंद आया, और बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन करा गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा गया है इस रूम को, मज़ा आ गया देख के मेरे प्यार। हाँ जी, फाइनली हम आ चुके हैं घर पे, और इनायत के स्कूल अभी आप लोगों ने देखा था, इनायत तो टीवी के रिफ्लेक्शन में चश्मे में आ रहे हैं। तो बस इनायत के स्कूल गए थे, और फिर वहाँ से हम लोगों ने इनायत का रिज़ल्ट लेना था। रिज़ल्ट अच्छा है, मैडम ने अच्छी अच्छी बातें भी बोली इनायत के लिए, और बस मतलब इनायत की जो वो है रैंकिंग है B+ है इनायत, तो उन्होंने बोला लॉट्स ऑफ स्कोप है, अभी और प्रोग्रेस कर सकती है वो, आप थोड़ा सा ध्यान और दो। और क्या बोला था उन्होंने कि ओबीडियंट चाइल्ड है वो, तो मुझे पता है मेरा बच्चा ओबीडियंट तो बहुत है। अरे यार वो नहीं, मेरा कहाँ गया मेरा वो, अरे वो क्या कहते हैं इसको, स्टैंड पता नहीं कहाँ है मेरा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ रखा है बच्चों ने, स्टैंड नहीं मिल रहा मेरा, मेरे को ऐसी बात करनी पड़ी। इनायत हुआ, और इनायत ने एक दिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था, तो उसमें भी उसको सर्टिफिकेट मिला। तो मैं इनायत के सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह संभाल के रख रही हूँ, मार्कशीट संभाल के। गाइस ये देखो मेरा दिया कंपटीशन का सर्टिफिकेट, ये रहा है 21 और 22 का। और मार्कशीट का, मार्कशीट ये वोरी 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 वोरी
मेरे को बी ग्रेड मिली है। बी ग्रेड मिला है यानी कि इनायत आई है सेकंड पोजीशन पे। इनायत के मार्क्स अगर देखे जाएं तो पूरे टोटल हैं 187 में से इनायत के 137 आए हैं। तो ये इनायत की मार्कशीट है और ये इसके बचपन का फ़ोटो है। बचपन का प्यार कहीं भूल ना जाना। तो बस हैप्पी हैं। और अभी एक इनायत का न्यू कोर्स जो है वो मिल रहा था बट बहुत भीड़ हो रही थी तो अभी हमने न्यू कोर्स नहीं लिया है। इंशाल्लाह कल या परसों में जाके, परसों तो शायद संडे हो जाएगा, कल या परसों में या मंडे तक जाके, क्योंकि स्कूल जो है रीओपन जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 4 अप्रैल से, रमज़ान वाले दिन, फर्स्ट रमज़ान को, इंशाल्लाह फर्स्ट रमज़ान होगा और उनका होगा तो वो हो रहे हैं ओपन। और इसलिए कोर्स मैं लेने के लिए गई थी बट बहुत भीड़ थी और यूनिफॉर्म भी वहीं से मिल रहा था, स्कूल से ही। इस बार इन्होंने स्कूल में ही रखा था। पहले तो हमें वो दे दिया जाता था कि एड्रेस के आप इस वाली शॉप से परचेज़ कर लेना। मुझे वो ज़्यादा ठीक लगता था क्योंकि हम लोग ना इत्मीनान से जाके वो कर लेते, क्योंकि सारे पेरेंट्स एक साथ नहीं आते थे। बट अभी क्या हुआ, आज इतना भीड़ थी ना, सारे पेरेंट्स वहीं पर रिजल्ट ले रहे थे तो सारे के सारे वहीं पर भीड़ लगी हुई थी। वरना टाइमिंग थी उनकी सुबह 11 बजे से और 2 बजे तक, फिर वो खुलता था 5 बजे से 8 बजे तक। तो दो टाइमिंग में हम लोग जाके ले आते थे। अभी इनायत की यूनिफॉर्म भी पूरी आएंगी और कोर्स भी आएगा तो अभी देखो कैसा था। इनायत नहीं, बैग में नहीं रखो इसको, दो खाला जी को फ्रेम करा के लेकर आएंगे, उसको लेमिनेशन करा के लेकर आएंगे। हाँ ज़ेबा खाला जी को दिखा दे, अभी तो टाइम है ज़ेबा खाला जी के ट्यूशन जाने में। तो ज़ेबा इनायत को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं तो ऑब्वियसली बात है ज़ेबा का भी हक बनता है वो देखे। और इनायत की पता है टीचर्स मुझे जानने लगी हूँ क्योंकि यूट्यूब स्टार्ट किया हुआ मुझे टाइम तो हो गया बट पहले कोई नहीं जानता था। बट ऑनलाइन क्लासेस में मुझे अपनी आईडी वगैरह देनी पड़ी तो सारी टीचर्स बोल रही थी कि इनायत की क्लास टीचर भी कि आप यूट्यूबर हो, मैं आपके वो ब्लॉग्स देखती हूँ, अच्छे लगते हैं। तो अच्छा लगता है, पहले मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था किसी से भी बात करने में, ना मुझे बड़ी घबराहट होती थी। मैं आसिफ जी को हमेशा आगे रखती थी, आसिफ जी आप बात करो, मुझे नहीं आ रही बात करनी। बट अलहमदिल्ला अब कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। बस आप लोग दुआ करो कि अप्पी का भी चैनल अच्छे से और चले ताकि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ। उसके अंदर पैसा बहुत लगेगा मुझे पता है और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। स्कूल तो आप लोगों ने देखा ही होगा और मेरा मन भी यही है कि अल्फिया भी इनायत के ही स्कूल में जाएँ क्योंकि स्कूल बहुत ही अच्छा है और हमारे जिसे कहते हैं ना पहुँच से भी ऊपर है। तो आसिफ जी अपनी जान लड़ा रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, इतनी अच्छी एजुकेशन देने के लिए, हालांकि हमें हमारा बजट जो है ना पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। उसके पापा पीछे नहीं हटते हैं, उनका ये होता है कि कोई बात नहीं हम यहाँ सेक्रीफाइस कर लेंगे बट बच्चों की एजुकेशन में सेक्रीफाइस नहीं करना है। जो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं हम अपने बच्चों को जरूर देना चाहेंगे। तो बस इसी कोशिश में, इसी मुहिम में मैं और मेरे हस्बैंड लगते हैं और करते हैं। आओ दूसरा बैग, मैं इसको सही कर दूंगी। अफू आओ जल्दी, आप कहाँ गए थे आज? मैं तो स्कूल बिल्कुल नहीं। आज आप किसके स्कूल गए थे सुबह सुबह? आप कैसे गए थे? अच्छा नहीं आए तब पिक के स्कूल गए थे। आओ पर, तो आओ पर आओ। अफू आज किट्टी बनी हुई है, हैं अफू क्या बना? ठीक है अफू, कहाँ बना हुआ है आज? किट्टी। अफू मुझे कहती मम्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है किट्टी बन के, दो पोनी करी है। मम्मा ने आज शुगर की लिपस्टिक लगाई है, पापा दे सकते हैं। तो बस ये हमारी जान है, ये हमारा दिल है, जिगर है, सब कुछ है, ये हमारी दुनिया है। अल्लाह पाक बस इनको हमेशा ऐसे खुश रखे और हमें इतने मौका दे कि हम इनकी ज़िंदगी सवार, हम कौन होते हैं यार ऊपर वाला इनकी ज़िंदगी संवारेगा। बस हमें एक ज़रिया बना रखा है। अफू भी अच्छे वाले स्कूल जाएंगे, अप्पी वाले स्कूल जाओगे? अफू को भी जाना है तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अफू भी इसी स्कूल में जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जहाँ इनकी किस्मत होगी वहाँ लेके जाएगी। तो चलो बस अब चलते हैं, घर का काम कर लूँ। घर अभी पूरा देखो पूरा मैसी हो रहा है। अभी मैं कुछ काम वाम नहीं करके गई थी, बस टिफिन पैक करके गई थी हस्बैंड का। आसिफ जी जा चुके हैं अपने जॉब पे, ऑफिस और हम काम करने और हम कहीं जा रहे हैं। हम कहीं जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे, हम आ गए हैं। हम कहीं घूमने जा रहे हैं। हम कहीं घूमने नहीं जा रहे। तो चलो जी रखती हूँ। हम मार्केट जा रहे हैं। मार्केट जा रहे हैं और तहजीब के लिए कल मैं लेकर आई थी बहुत अच्छे से कपड़े। उसका बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया था तो मुझे था कि मैं उसके कोई ड्रेस लेकर आऊँगी, तो कल मैं लेकर आई उसके लिए नाइट सूट एक, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी जब तहजीब पहनेगी ना तो वो दिखाऊँगी। तो चलो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर है वेज पुलाव और है रायता। आ जाओ आप लोग भी खाना खा लो।
है ना, पार्टी हो रही है। और ये हमारी पार्टी हो रही है, हट हटम पार्टी होती रहती है तुम्हारी। आज दोपहर का लंच मम्मी है। और ओनी ओनी इधर तो देखो, ये दो क्या होता है ओनी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है चीज़। और मैं उस दिन ना दिखाना भूल गई थी, ये तहजीब ने अपने बर्थडे पे ना ये वाली डेकोरेशन कर दी। इन्होंने खुद से ही कार्ड बनाया था हैप्पी बर्थडे कटिंग करके ना, तब तहजीब ने लगाया था। और बलून्स तो खैर सारे फोड़ दिए थे इन बच्चों ने, वो भी लगाए थे। ओनी, तहजीब, इनायत, अल्फिया, सबकी मेहनत थी वो। बस बस बस, मम्मी दे रही हैं सबको क्या कैश। मम्मी खुशी खुशी से पैसे दे रही हैं सबको। आज तो फिर चिज्जी खाएंगे। आज ना हमने यासीन शरीफ पढ़ी थी, तो मम्मी खुश होके हम लोगों को पैसे बांट रही हैं। तुम्हें दे दिया ये, इसका हाथ नहीं। तो यहाँ पर सब जिन्होंने जिन्होंने पढ़ा है उनको भी मिली, और जिन्होंने नहीं पढ़ा ना उनको भी मिल गई है। हम लोगों ने पढ़ाए थे। मुझे ना रह के अफसोस हो रहा है कि ये लोग कुरान खाने में आए और शाम के टाइम नहीं आए खाने में। मैंने कहा बताओ, नहीं ये बच्चे तो खाने आए थे, बड़े आए, बड़े सोनी नहीं आई, नेहा नहीं आई, और सलमान खान मतलब अंत में आएंगे, अंत में, अंत वाला नहीं। अच्छा बाबूजी वाले में, अच्छा मैंने प्यार किया वाला सलमान खान, सीख सीख सलमान खान। इधर वाली लाइट मुझ पे ही फोकस आ रही है, मिनास पे नहीं है, मिनास पे भी आ रही है। इसने पढ़ाई नहीं करी थी, इसने एमवी में इसने सारे मजे मारे, इसने मटर पुलाव भी एमवी में खा लिए, इसने कुछ नहीं करा था। नहीं बेबी मम्मी करेंगे सबको लाड और प्यार, सब लड़कों को जमात में भी, अल्लाह सबको नहीं किया देते। हाँ। पहले भेजो 4 दिन की में, फिर भेजो 10 दिन की में, फिर भेजो 40 दिन की, फिर भेजो इनका उम्र आ गई। ये ले जाओ बाबू, यासीन शरीफ। हाँ यासीन शरीफ, मैं भी दुआ देता। अच्छा इनायत, गीली नहीं देती है वो, समझ में आ गई ना। हाँ सुबह सुखा के देखती, पहले ड्रायर मारती है अपने होठों पे, फिर देती है। मम्मी ना ऐसे कहते गीली गीली किसियाँ क्यों देती हो। तो बस यहीं का था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। भाग यहाँ से, मैंने आज बदतमीजी करती रहती है यहाँ पर, ये जा नहीं रही थी, मेरे ऊपर बैठने की कोशिश कर रही थी, जा नहीं रही थी। आप रेड लाइट बन के बैठी थी, तो कोई बंदा ऐसे ही जाएगा ना। तो जी बस उम्मीद करती हूँ आपको आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो लोग नया हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, बच्चों बाय करो, चलो बाय।